हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलीज़ा व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? होपफुली यू आर डूइंग वेल एंड सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे ऑल यूट्यूब फ्रेंड्स और आप सबका, आप लोगों ने मेरी व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया, मुझे अप्रिशिएट किया कमेंट्स करके, थैंक यू सो मच। और आज आपके साथ एक और अपना व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, दुबई बटरफ्लाई गार्डन। दुबई बटरफ्लाई गार्डन, दे हैव कॉट मोर देन 15,000 बटरफ्लाइज फ्लाइंग फ्रीली इन 9 इनबिल्ट टॉम्स। देयर इज़ एन आर्ट गैलरी जहाँ जायंट इम्प्रेसिव कॉलाज ऑफ क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई, जो कि सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ कलर्स की रियल बटरफ्लाई से बनाया है, बट वो पूरी आर्ट गैलरी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर द आर्ट वर्ल्ड ऑफ नेचुरल बटरफ्लाई कलर्स। बटरफ्लाइज नॉर्मली 28 सेंटी में रहती हैं, बट दुबई में जैसे कि सब जानते हैं टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए विजिटर्स की वजह से गार्डन का टेम्परेचर 24 डिग्रीज पे कांस्टेंट रखा हुआ है। इनसाइड गार्डन बटरफ्लाइज के लिए हैचिंग एरिया भी बनाया गया है जहां वो ईजीली हैच कर सकें। बटरफ्लाइज़ की फीड नेक्टर यानी जूस होता है, जो कि वो प्लांट्स में से अपने स्ट्रॉ लाइक माउथ की वजह से एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, और इसी वजह से दुबई गार्डन में एक वास्ट कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स भी आपको मिलती है। बटरफ्लाइज़ की एज जनरली 2-4 वीक्स होती है, बट कुछ स्पीशीज 9-12 मंथ्स भी सर्वाइव करती हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशंस बटरफ्लाइज़ के बारे में। वैसे तो बटरफ्लाई गार्डन मैं गई थी लेकिन ये पूरी स्क्रिप्ट वलीद ने लिखी है। थैंक यू सो मच वलीद, हमेशा हर व्लॉग में सपोर्ट करने के लिए। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और कितनी नेचुरल ब्यूटी है, यानी कि बटरफ्लाइज़ बचपन में देखते थे कि एक छोटी सी बटरफ्लाई भी आ जाती थी रूम में या घर में, वो बटरफ्लाई बटरफ्लाई आज ये रियल बटरफ्लाइज और इस तरीके की इतनी ब्यूटीफुल, इतने कलर्स फर्स्ट टाइम मैंने खुद देख, और सोचा व्लॉग तो बनता है ताकि जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं वो भी देख लें। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज़ कैसी लगी, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।